देखिए यह रहा 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। कहने का मतलब है कि ये जो कर्व है ये वाई एक्सिस को, समझ लीजिए कि यह रहा एक्स एक्सिस, यह रहा वाई एक्सिस, ठीक है। जो ये कर्व है ये वाई एक्सिस को यहाँ क्रॉस कर रहा है, मान के यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी कर्व अगर वाई एक्सिस को कट करता है तो कितना होता है इस पे एक्स इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। लिखिए सोल्यूशन, गिवन कर्व, वी हैव द गिवन, कुछ भी लिख सकते हैं, गिवन गिवन कर्व वाई इक्वल टू e के पावर x, इसको इक्वेशन वन माना था। लिखेगा सिंस सिंस कर्व वन क्रोसेस टू द वाई एक्सिस डेट इज x इक्वल टू जीरो। तो इस x को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू तो आ गया इस पॉइंट पे निकालना था, यहाँ पे x तो 0 होता है, y कितना होता है ये तो y तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, x 0 है तो इस इक्वेशन में x के ऊपर 0 को 0 रखेंगे तो क्या y मिल जाएगा ना, इसको एक्स बराबर 0, इस 0 को उठाकर इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे तो हमारा वाई की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सिंस चलिए दो एक्स इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन वन, चाहे कर्व वन कुछ भी लिख सकते हैं, तो वाई इक्वल टू e के पावर x कितना है, एक्स, तो एक्स कितना है 0 लिख जाओ, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 तो वाई कितना आ जाएगा, 1 पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो लिखिएगा अब क्या हो जाएगा, लिखिएगा द गिवन, द गिवन कर्व क्रॉसेस टू द वाई एक्सिस एट द पॉइंट, पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स तो हमारा 0 है, वाई कितना है 1 है, तो पॉइंट मालूम चल गया। इसी पॉइंट पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है। सिंस फ्रॉम 1 तो y इक्वल टू कितना है, e के पावर x है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx ई आ जाएगा e के पावर x, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर इसको सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे d2y/dx2, तो ये भी कितना का e के पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी e के पावर x और सेकेंड डेरिवेटिव भी e के पावर x, तो नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो इक्वल टू कितना जाएगा, 1 + y1 का स्क्वायर, इसके सभी का पावर 3/2 / y2, 1 + e के पावर y1 कितना है, e के पावर x, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, e के पावर 2x, ठीक है। 3/2 y2 कितना आ गया, e के पावर x ही तो आया। अब क्या करेंगे, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है किस पॉइंट पे, 0.1 पर, तो जहाँ x वहाँ पर 0 पुट कीजिए, जहाँ y भी वहाँ पर क्या पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक y तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है,
एक्स के एक्स के जगह पर या जीरो पुट कर देंगे। ई के पावर 2 × 0 कितना आ गया, जीरो। ठीक है, इसका पावर 3/2 अपॉन e^2 एक्स एक्स की जगह पर जीरो, इसका वैल्यू 1। ये कितना होगा, 1 + 1, 2 का पावर 3/2। ये जो आएगा 2 का पावर 2 × 2 आएगा, ये 2√2 होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रेडियस ऑफ कर्व है हो जाएगा 0,1 पर, कितना आ गया 2√2। जो प्लस माइनस दिया है इसका मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ही लेकर लिखते हैं। ठीक है, अगर आंसर हमारा माइनस में आता है तो वहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं, कैसे कि न्यूमेरिकल या मैग्नीट्यूड लेते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 5 का 2√2। देखिए यह रहा 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्व है 4 एट द पॉइंट -4,0 ऑन द कर्व x² x y² = 16 × x + 4। देखिए ये इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है किस पॉइंट पे, -4,0। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो देखिए गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व x y² = 16 x + 4। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, आप ऑन बोथ साइड लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको करेंगे तो y² एक्स को किए y² को छोड़ दिए, अब क्या करेंगे एक्स को रहने देंगे और y² करेंगे 2y एंड dy/dx। ये 16 कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, अब 4 कितना कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx हमें निकल जाएगा 16 - y² और ये कितना है 2xy। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब dy/dx हमको फाइंड करा किस पॉइंट पे, -4,0 है, तो 16y कितना है 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है, x कितना है -4y कितना है 0, तो ये कितना 16y 0, यह क्या अनडिफाइंड हो गया। देखिए एग्जाम में दिखाना पड़ता है, यही नहीं कि इसको छोड़ दिया, हम जानते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है या इनफिनिटी आ रहा है, तो हम वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, समझ रहे ना, तो एग्जाम में दिखाना पड़ता है, ये नहीं छोड़ देंगे, याद है तो वैसा कर लेंगे। ये हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, या वन चले गया ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है, तो लिखेगा सिंस डिफ्रेंशिएट, लिख जाएगा सिंस डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स इन एप्लीकेबल सो डैट, इसलिए वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट वाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब इस कर्व को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, तो सिंस गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व जो दिया है वो x y² = 16 x + 4 दिया है। ठीक है, x प्लस
फोर, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट किसके, वाई ऑन बोथ साइड, वाई के रिस्पेक्ट में करना तो क्या हो जाएगा, तो पहले वाई देखिए, पहले वाई करेंगे, एस को छोड़ दिया, वाई का किया तो टू वाई है, प्लस वाई को कर दिए, वाई को छोड़ेंगे और एक्स को करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, ऐसे जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 16 डी एक्स वाई डी वाई, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ लिख रहा है, अब डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी वाई इधर 16 है, इसको इधर खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर खरीदे ये कितना बच गया प्लस टू एक्स वाई, समझ रहे ना, इसको इधर भेजे तो 16 में से वाई स्क्वायर घटेगा, ये तो इतना बच गया 2x वाई, और इसीलिए डी एक्स वाई डी वाई कितना हो जाएगा 2x वाई अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब डी एक्स वाई डी वाई माइनस 4,0 को फाइंड करना था कितना हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना, तो 2 हो जाएगा, एक्स कितना है माइनस 4 है, वाई कितना है 0 है, और यह रहा 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0, ये कितना हो जाएगा पूरा 0.16। अब क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये तो डिफाइंड है वाई वन बराबर 0, ठीक है, ये तो डिफाइंड है वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये डिफाइंड हो गया। अगेन अगेन एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, अब इसको क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन इधर 1 माना थे, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट वाई ऑन बोथ साइड, वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है लेकिन मतलब बयान में देख रहे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये तो टू कॉन्स्टेंट के बाहर होगा, ये कितना हो जाएगा, फिर इसको एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स को छोड़ेंगे वाई को करेंगे तो वन हो जाएगा प्लस, अब वाई को छोड़ेंगे एक्स को करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स वन डी वाई, ठीक है, ये तो हो गया एक्स वाई का, फिर प्लस, और फिर यू इंटू वी से इसको भी करेंगे, किसको, इसको पहले क्या करते हैं डी एक्स बाई डी वाई छोड़ते हैं, इसका करते हैं वाई स्क्वायर का तो 2y हो जाएगा, फिर प्लस, अब क्या करते हैं वाई स्क्वायर को छोड़ते हैं, आइए देखिए डी एक्स बाई डी वाई ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इसी को वाई के ही रिस्पेक्ट में करूँगा तो कितना हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, ठीक है, ये तो हो गया, आइए कितना हो जाएगा 16 डी डी टू एक्स डी वाई टू, ठीक है। यहाँ से फाइन कर सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डी सॉरी डी एक्स बाई डी वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2y डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू एक्स वाई डी वाई टू इक्वल टू 16 डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, ठीक है। अब क्या करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो जहाँ जहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है वह एक जगह लिख लेंगे, ठीक है, तो इसको इधर खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको इधर खरीदूँगा तो 60 माइनस वाई स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, इसको इधर ला लिए तो माइनस हो गया, ठीक है, ये तो सब पॉजिटिव हो गया ना, टू एक्स प्लस
टू वाई डी एक्स वाई डी वाई प्लस टू वाई डी एक्स वाई डी वाई, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि वाई वन यानी डी एक्स बाई डी वाई हमारा जीरो आया था, तो ये जीरो आया था और ये भी जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये सब जीरो, तो कितना बचेगा इसमें से 16 माइनस वाई स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, डी वाई टू इक्वल टू ये कितना बचेगा सिर्फ टू एक्स प्लस जीरो, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, ये कितना आ जाएगा टू एक्स अपॉन सिक्सटीन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू ये किस पर फाइंड करना है, माइनस फोर कॉमा जीरो, तो जहाँ यह टू है एक्स कितना है माइनस फोर है और सिक्सटीन वाई कितना है जीरो स्क्वायर, तो यह माइनस एट आ गया, यह सिक्सटीन आ गया, तो यह माइनस टू, ठीक है। यानी वाई टू कितना आ गया माइनस वन अपॉन टू। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आता है वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, वाई प्लस वाई वन का स्क्वायर इसका पूरा थ्री बाई टू होता है अपॉन वाई टू होता है, ठीक है। वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, वाई वन कितना है जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक है। इसका पावर थ्री बाई टू, वाई टू कितना है माइनस वन बाई टू, ये कितना वन आएगा, वन का पावर कुछ भी वन आएगा, अब माइनस वन बाई टू, तो ये कितना जाएगा माइनस टू, ठीक है। माइनस टू आया लेकिन लिखेंगे टेकिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिक्स का टू देखिए, यह है सेवन नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है सो डेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, इस कर्व का, ठीक है। इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस पॉइंट पे जो इतने का इक्वल है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए एक बात और ये दिया है, ये एस्टेरॉयड का इक्वेशन होता है, ये किस में है एक्स में, ठीक है। अब पॉइंट किस में है थीटा में, यहाँ पर अगर एक कॉस क्यू एक्स रहता यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई के रूप में है, यहाँ पर थीटा के रूप में है, तो क्या करें, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा क्या, तो मानना है सॉल्यूशन लेट द क्या मानो लेट द चार लिख देंगे क्या द लेट द पैरामेट्रिक इक्वेशन लेट द पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉरी लेट नहीं द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व क्या है एक्स का पावर टू बाई थ्री वाई का पावर टू बाई थ्री इक्वल टू एक का पावर टू बाई थ्री इज क्या एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब, इतना है तो इसको क्या करेंगे
डिफरेंशिएट निकालेंगे इसको पैरामेट्रिक फॉर्म को थीटा के रिस्पेक्ट, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, वाई के क्या हो जाएगा वाई का डी वाई बाई डी थीटा, ये कितना हो जाएगा ए इंटू थ्री साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का फिर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा आप कीजिए, आप निकाल लीजिएगा इतना बाई इतना बाई डी बाई डी टू निकाल कर इसको लिख सकते हैं क्या डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, चलिए हम लिख लेते हैं थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, थ्री से थ्री ए कैंसिल, ये कितना जाएगा माइनस टेन थीटा, ये आ गया वाई वन, ठीक है। और फिर इसको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, इसको वन मान लेते हैं वन एगेन एगेन डिफरेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये कितना जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, देखिए माइनस है तो माइनस बाहर निकालेंगे, टेन थीटा को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, देखिए डी करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, किया ना एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ये, तो थीटा ये टेन किसके रूप में थीटा के रूप में, तो ये किसके रिस्पेक्ट होगा थीटा का, तो डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ क्या टेन का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये रहा इसको इसको प्लॉट देना था क्या हो जाएगा, यह रहा माइनस और ये कितना जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री कॉस फोर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक कितना आ गया वन अपॉन थ्री ए कॉस फोर थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहा हमारा वाई टू, ठीक है। अब क्या करना है हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना जाएगा इसका हो जाएगा थ्री बाई टू और इसका हो जाएगा ये हो जाएगा वाई टू, तो वन प्लस वाई वन, वाई वन कितना था वाई वन का स्क्वायर कितना जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इसका पावर थ्री वाई टू, ये कितना जाएगा वाई टू कितना था वन अपॉइंट थ्री ए कॉस फोर थीटा वन अपॉइंट थ्री ए कॉस फोर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये कीजिएगा तो कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा का पावर थ्री बाई टू, ये कितना आएगा वन अपॉइंट थ्री ए कॉस फोर थीटा इंटू साइन थीटा, थ्री ए कॉस फोर थीटा इंटू साइन थीटा, ये किसका देगा टू से टू कैंसिल, तो यह हो जाएगा सेक क्यू थीटा अपॉन, देखिए ये अपॉन में वन अपॉन इतना, तो इसको चेंज करें कितना जाएगा ये चला जाएगा ऊपर थ्री ए कॉस फोर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है।
ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये फोर कैंसिल, कितना आ गया रो इक्वल टू 3a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही दिखाना था, 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही दिखाना था प्रूफ। ठीक है, यह रहा 7 नंबर का प्रूफ, यह रहा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और शो डेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑन द कर्व, इतना इस कर्व का इक्वेशन इतना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है जो कितना है 80, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इतना दिखाना है 80। ठीक है, इतना हमको प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन सेम चाहे गिव है, गिवन एक्स इक्वल टू कितना है ए कॉस टी प्लस टी, ये रहा प्लस और ये रहा टी। ठीक है, टी साइन टी। ठीक है, अब वाई कितना है लिख सकता हूँ, वाई एंड वाई इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, एक बार देख ले रहा हूँ क्वेश्चन फिर, साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, कॉस टी प्लस टी साइन टी। ठीक है, ठीक है, इतना प्रूफ करना है। ठीक है, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट किसके, टी के रिस्पेक्ट में, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड, इसका इसका भी और इसका भी, पहले एक से कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा कॉस टी का डिफरेंशिएट माइनस साइन टी, ये रहा प्लस। अब देखिए टी साइन टी है और टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यू इंटू वी का फॉर्म लगेगा। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए टी के रिस्पेक्ट में पहले साइन टी को छोड़ दिए, ठीक है साइन टी को छोड़ दिए, टी के कर दिए तो वन हो गया। ठीक है, वन हो गया, फिर प्लस, अब टी के कर चुके, अब टी को छोड़ेंगे, टी को छोड़ेंगे और साइन टी के करेंगे तो कॉस टी। ठीक है, उसी टाइप से डी वाई बाई डी टी कितना जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, छा नहीं करेंगे इसको, रहने देंगे, ये कितना हो जाएगा कॉस टी माइनस, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, माइनस है और टी कॉस टी है, इसको इवन टू फेज़ करेंगे तो टी का करेंगे, माने कि कॉस टी को छोड़ दिया, टी का कर दिया, टी के रिस्पेक्ट में तो वन हो गया, फिर माइनस सर प्लस। ठीक है, अब टी का कर चुके हैं, अब टी को छोड़ दिए और कॉस का कर दिए तो माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, या ए माइनस साइन टी प्लस साइन टी कैंसिल, तो कितना आ गया टी कॉस टी। ठीक है, एंड डी वाई बाई डी टी, ये कितना आ गया ए, ये हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस टी। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टी साइन टी। ठीक है, तो प्लस कॉस टी माइनस साइन टी कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए टी कॉस टी एंड डी वाई बाई डी टी कितना आ गया ए टी साइन टी, ये कितना हो जाएगा ए टी कॉस टी। नाउ अब क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई डी कितना है ए टी साइन टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना है
एटी कॉस टी, ये से या कैंसिल, ये कितना या टेन टी आया, ठीक है। तो डी वाई वाई डी एक्स कितना आ गया, टेन टी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको लिख दूंगा कितना वाई वन, इसको वाई वन मान लूंगा, ठीक है ना। अगेन एक मिनट, अब क्या करते हैं, और इसी को मान लेता हूँ कितना, इक्वेशन वन एक भी नहीं माना है, इसी को वन मान लेता हूँ, ठीक है। एगन डिफ्रेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट किसके, टी के, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। एक मिनट सॉरी, एक किसी की, ये तो वाई वन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इसको करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का, तभी ना डी टू बाई डी एक्स टू आएगा। तो ये होता है वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, इसका पावर थ्री बाई टू, वाई टू, वाई वन डी वाई बाई डी एक्स होता है, और वाई टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता है, ठीक है। तो इसको कितना चाहिए, डी टू बाई डी एक्स टू, तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में है ही है, फिर इसको एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ डी टू बाई डी एक्स टू। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डी टेन टी ये किसके रिस्पेक्ट में सेट होगा, ये टी के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू ये होगा डी टी, ये होगा फिर डी एक्स, तो टेन टी का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, डी टी कितना है, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी इतना, इसको प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन ए टी कॉस टी, ठीक है। इसको ऊपर खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, तो नीचे रहने दे रहे हैं, इसको नीचे ला देंगे, तो ए टी कॉस स्क्वायर टी या कॉस टी, कॉस क्यू टी, कॉस क्यू टी, ठीक है। ये रहा वाई टू, ठीक है। अब क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ये कितना था, वाई प्लस वाई वन के स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू अपॉन वाई टू होता है, तो वन प्लस वाई एन का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर टी का, टेन टी का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर टी इसका पावर थ्री बाई टू, ये कितना आ गया वाई टू, वाई टू, वाई टू कितना, वन अपॉन ए टी कॉस क्यू टी, ये कितना आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर टी आएगा, तो सेक स्क्वायर टी आएगा, सेक स्क्वायर टी इसका पावर थ्री बाई टू, ये आएगा वन अपॉन ए टी कॉस क्यू टी, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, टू से टू कैंसिल, इसके टू से टू कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आएगा सेक क्यू टी अपॉन वन अपॉन ए टी कॉस क्यू टी, ए टी कॉस क्यू टी, ये कितना लगेगा, एक बार सेक क्यू टी इंटू ये वन अपॉन ए टी कॉस क्यू टी, इसको डिवाइड रूप में, डिवाइड के रूप में इसको मल्टीप्लाई के रूप में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर ए टी कॉस क्यू टी, सेक क्यू टी या कॉस क्यू टी कैंसिल, तो कितना आ गया ए टी, तो हमारे रेडियस ओके बचा गया कितना आ गया ए टी, यही हमारा प्रूव करना था, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन सॉल्व, देखिए ये रहा आठ नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सो डेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ द गिवन कर्व, एक्स बराबर इतना, एक्स बराबर ए साइन टू थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, वाई बराबर ए कॉस टू थीटा इंटू वन माइनस कॉस टू थीटा इज फोर ए कॉस थ्री थीटा एंड ए टी, थीटा बराबर जीरो आर ए बराबर फोर ए। कहने का मतलब है हमको इस एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना है, इन कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, वो कितना आएगा, फोर ए कॉस थ्री, फोर ए कॉस थ्री थीटा एंड
कब एफ थीटा बराबर जीरो हो तो हमारा रो का वैल्यू कितना आएगा, 4 है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, इतना आएगा। आज जब थीटा हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना फिर आएगा, इतना बराबर, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए एक्स बराबर गिव है, ठीक है, ठीक है। एक्स बराबर कितना है, ए साइन 2 थीटा 1 cos 2 थीटा। पहले इसका कर लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट किसके, थीटा के, थीटा के रूप में, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 sin किसके रूप में, थीटा के रूप में, कॉस किसके रूप में, थीटा के रूप में, तो ये किसके रूप में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी थीटा इसका करेंगे, ठीक है, यू इंटू वी से करेंगे, कैसे करेंगे, यू इंटू वी से। तो पहले इसको छोड़ देते हैं, किसको, ए साइन 2 थीटा, ठीक है, चाहे इसको छोड़ देते हैं, क्या देखते हैं, 1 cos cos 2 थीटा का छोड़ दिया, इसका करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है, एक रह का करेगा, ठीक है, ये साइन 2 का cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का थीटा रिस्पेक्ट में तो 2 आएगा, इसलिए ए 2 cos थीटा, इसको लिख सकता हूँ क्या, 2a cos 2 थीटा, ठीक है, फिर प्लस आया, ठीक है। अब किसका कर दिए, इसका तो कर दिए, अब इसको छोड़ेंगे, अब इसको करेंगे, ए साइन थीटा 2 थीटा, 2 थीटा छोड़ दिया, अब इसको करेंगे, इसका 1 का 0, ये कॉस 2 थीटा कितना जाएगा, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, 1 cos 2 थीटा, 1 cos 2 थीटा, 2a cos 2 थीटा, ये कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये तो होगा 2a sin² 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना लगेगा, 2a cos 2 थीटा प्लस, अब इसमें इसमें करेंगे तो कितना लगेगा, 2a cos² 2 थीटा माइनस 2a sin² 2 थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2a cos 2 थीटा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेंगे, तो यह आएगा cos² 2 थीटा माइनस sin² 2 थीटा, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या कि क्या जानते हैं कि cos² 2 थीटा इंटू sin² 2 थीटा, आप जानते हैं, लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख दे, यहीं पर होता है cos 2 थीटा जो होता है वह होता है हमारा क्या, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर हाफ हो गया, अगर यहीं पे हो जाएगा cos² 2 थीटा और माइनस sin² 2 थीटा, तो क्या होगा, ये cos 2 थीटा था तो हाफ था, तो पूरा हो गया, तो ये क्या दुगुना हो जाएगा, इसका दुगुना ही है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा cos 4 थीटा, ये हो जाएगा 2a cos 2 थीटा, ठीक है, और प्लस ये कितना जाएगा, 2a
कॉस फोर थीटा। और क्या करते हैं यहाँ से, क्या कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 2a इंटू कॉस 4 थीटा इन प्लस साइन मतलब कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे क्या यूजिंग कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन नहीं सॉरी कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 है, ये कितना हो जाएगा 2 होगा कॉस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 थीटा, 6 थीटा का हाफ करेंगे तो कॉस 3 थीटा इंटू फिर कॉस आएगा और 4 थीटा माइनस से क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, फिर 2 थीटा का हाफ करेंगे तो 6 थीटा है। ठीक है, दिया जाएगा 4a कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है ना, सिंस आप क्या करेंगे वाई बराबर कितना दिया है, ए कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब इसको फिर करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, इसको भी यू इंटू वी से करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा का छोड़ दिया तो इसका कितना रहेगा, ये तो हमें करेगा कॉन्स्टेंट है, इसे कितना रहेगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसका हो गया, फिर अब प्लस, अब किसको छोड़े थे, इसको छोड़े थे ना, तो अब इसको छोड़ेंगे ए कॉस 2 थीटा छोड़ दिया, अब इसका करेंगे ये 0 माइनस, ठीक है कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा आई इंटू 2 थीटा का रिस्पेक्ट 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना जाएगा डी वाई बाई डी थीटा कितना जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ए माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा ए कॉस 2 थीटा एक माइनस माइनस प्लस ये 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस 2 साइन 2 थीटा एक मिनट एक समय तक इसमें तो इतना है माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस माइनस तो ए कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा 2a cos 2 थीटा इसमें कॉस से करो तो एक माइनस ए कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, प्लस ये कितना आएगा 2a cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा
ए माइनस सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है। ये इंटू के रूप में, किस ग्रुप में? इंटू ग्रुप में, क्या माइनस थोड़े होगा, कितना हो जाएगा? माइनस टू ए साइन टू थीटा होगा, ठीक है, यहाँ गलती हो गया। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए माइनस टू ए बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई ग्रुप में है तो वन माइनस कॉस टू थीटा, ये कितना जाएगा साइन टू थीटा, ये कितना जाएगा टू ए कॉस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा, ठीक है, ये कितना जाएगा माइनस टू ए। अब इसमें करते हैं साइन टू थीटा प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, ये कॉस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा एंगल है, यहाँ पर कितना हाफ एंगल है, इसका दुगुना यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है टू है और टू, यहाँ पर लिखेंगे साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन फोर थीटा, साइन फोर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए साइन फोर थीटा, ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस टू ए साइन टू थीटा माइनस माइनस प्लस टू ए कॉस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा ए साइन फोर थीटा, ये रहा माइनस टू ए साइन टू थीटा प्लस, ये कितना हो जाएगा वही टाइप से टू कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा ए साइन फोर थीटा प्लस ए साइन फोर थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस टू ए साइन टू थीटा प्लस टू ए साइन फोर थीटा, टू ए साइन फोर थीटा माइनस टू ए साइन फोर थीटा और प्लस टू ए साइन फोर थीटा, माइनस में टू साइन थीटा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ वाई डी वाई डी थीटा, कितना लिख सकता हूँ टू ए सॉरी टू ए साइन फोर थीटा माइनस टू ए कॉस सॉरी कॉस नहीं होगा साइन टू थीटा, यहाँ से क्या करेंगे टू ए कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा साइन फोर थीटा माइनस साइन टू थीटा, यहाँ पर क्या होगा लिखा पड़ेगा यूजिंग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितना होता है
साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितना था, टू कितना था, टू कॉस, टू कॉस सी सी प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितना है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी कितना जाएगा, टू है, टू होगा कॉस सी प्लस डी, चार दो छः कर दिया तीन, तो कॉस थ्री थीटा इंटू साइन सी माइनस डी, चार हो गया दो, दो का था दो साइन थीटा। ठीक है, ये कितना जाएगा, फोर ए कॉस थ्री थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये रहा डी वाई बाई डी थीटा, फोर ए कॉस थ्री थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करना है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई थीटा कितना है, फोर ए कॉस थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना आया था, फोर ए कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे यह कैंसिल, ये कितना आया, टेन थीटा, इसको वाई वन मानता हूँ। ठीक है, एगेन आई इसको इक्वेशन वन मानता हूँ, एगेन डिफ्रेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो कितना जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, डी टू बाई डी एक्स टू कितना जाएगा, डी टेन थीटा, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स कितना आया था, डी एक्स बाई डी टी कितना आया था, ये आया था कितना, डी एक्स बाई डी टी, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर ए कॉस थ्री थीटा, ये थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना जाएगा, फोर ए सेक स्क्वायर थीटा, ये नीचे का देखिए कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। ठीक है, ये होगा डी टू वाई वाई डी एक्स टू कितना होगा, ऊपर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना जाएगा, अगर सेक कॉस क्यू थीटा ऊपर भेज देंगे तो सेक क्यू थीटा अपॉन, ये कितना जाएगा, फोर ए कॉस थ्री थीटा, ये कितना आ गया, वाई टू। और फाइंड किया करना रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना, ये कितना होता है, वाई प्लस वाई एन का होल स्क्वायर इसका पावर थ्री बाई टू अपॉन वाई टू, ये कितना हो गया, वन प्लस वाई वन कितना है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये थ्री बाई टू होगा, और वाई टू कितना है, वाई टू वाई टू वाई टू हमारा इतना है, सेक क्यू थीटा अपॉन फोर ए कॉस थ्री थीटा। ठीक है, इसको इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्या होगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा,
sec q थीटा अपॉन वन, इसको डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जाएगा 4a cos 3 थीटा और नीचे जाएगा sec क्यूब थीटा, इससे ये कैंसिल तो कितना आ गया 4a cos 3 थीटा। ठीक है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया हमारा 4a, 4a cos 3 थीटा। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना फाइंड करना, 4a cos 3 थीटा, 4a cos 3 थीटा इतना हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है नाउ अब एगेन क्या करेगा, अगर कितना थीटा बराबर जीरो हो गया तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना चाहिए 4a आना चाहिए। तो लिख लेते हैं एगेन बट कितना थीटा लिख देते हैं टेकिंग थीटा इक्वल टू जीरो देन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना जाएगा, ये रहा 4, ये रहा a, ये रहा cos 3 और थीटा कितना, थीटा की जगह पर जीरो तो 3 × 0 तो जीरो तो cos 0। ठीक है तो कितना cos 0 का मान 1 तो 4a इंटू 1 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना जाएगा 4a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रूफ हो गया, आंसर नहीं होगा प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है सॉल्व हो गया।